गोल है जो आप अपने करियर के एंड में अचीव करना चाहते हैं? क्या उस डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई प्लान है? हम में से ज्यादातर लोग बिना कोई क्लियर गोल माइंड में लिए बस अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि एंड में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय उदास होने के, निराशा के। तो अपने करियर के शुरुआती पॉइंट पर ही आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो खुद को जानने की कोशिश कीजिए और ये पता कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इस समरी में आपको कुछ ऐसे मेथड बताए जाएंगे जिन्हें यूज करके आप इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं। चाहे आपने काम करना शुरू कर दिया हो तो भी बगैर इस बात को समझे आपके करियर की असली शुरुआत अधूरी है। इस समरी का नाम है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क, जिसे लिखा है रिचर्ड हॉल ने। तो इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप तीन स्किल्स के बारे में जानेंगे जो जॉब में सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। ये है लर्निंग, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग। कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए आपको नई नई चीजें हमेशा सीखते रहनी होगी। इसके अलावा एक अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप के लिए आपको अपनी लिसनिंग पावर पर भी काम करना होगा। सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर नए चैलेंज का सामना करना आना चाहिए। आप अपने अंदर ये सभी स्किल्स डेवलप करना इस समरी में सीखेंगे। मॉडर्न वर्कप्लेस में हर काम टीम वर्क से होता है, इसलिए आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना होगा ताकि आप अपने वर्कप्लेस के लिए एक एसेट साबित हो सके। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि मौका पड़ने पर आप एक अच्छे टीम लीडर साबित हो सके। अट्रैक्टिव होना भी वर्कप्लेस में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी और चीजें। आप कितने अट्रैक्टिव बन सकते हो ये आपके हाथ में है, या यूं कहे तो आपके कंट्रोल में है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे एक अट्रैक्टिव एटीट्यूड डेवलप किया जाए और कैसे एक अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर बना जाए। आप इसमें जानेंगे कि कैसे अपने बॉस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए। ये रिलेशनशिप आपके करियर को बूस्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा करियर वही है जहां पर ग्रोथ के साथ साथ एक्साइटमेंट भी हो, जहां आपकी पूरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो और जहां पर आप सेटिस्फाइड हो। ये समरी आपको ऐसे 8 सीक्रेट्स बताएगी जो कि आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाने में मदद करेंगे। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है लुक इन द मिरर, दैट्स द रियल यू, से हेलो एंड बी अमेज्ड। मतलब ये कि आप खुद को कितना जानते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर ये सवाल अक्सर हमारे सामने आता है। जो लोग खुद को अच्छे से समझते नहीं हैं, वो अक्सर ऐसी जॉब करने पर मजबूर होते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती। इसलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हाल उनकी शादी का भी होता है। गलत इंसान से शादी करके उम्र भर पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए हर किसी के लिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। खुद को समझने का फर्स्ट स्टेप है अपनी खूबियों और कमजोरियों से वाकिफ होना। ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट उन चीजों के लिए जिनमें आप अच्छे तो हैं पर आपको वो चीजें पसंद नहीं है। सेकंड पार्ट में उन चीजों के बारे में लिखिए जिनमें आप अच्छे भी हो और आपको वो चीजें पसंद भी है। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। तो इस पार्ट में आपको उन चीजों का जिक्र करना है जो आपको पसंद तो है पर आप उनमें कमजोर हैं। और फोर्थ पार्ट में वो चीजें आएंगी जिनमें ना तो आप अच्छे हैं और ना ही वो आपको पसंद है। अब आप इन सारी स्किल्स को इन कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कीजिए। सेलिंग यानी बेचना, लोगों को कोच करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, अकेले काम करना, डेटा और मैथ्स, रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंटेशन देना, काम को एग्जीक्यूट करना, लोगों को टास्क और जिम्मेदारी देना, किसी क्राइसिस को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज्ड होना, क्रिएटिव होना, ऑफिस से दूर रहना, इन सारे स्किल्स को छांटने के बाद अपने 2 से 3 दोस्तों से इस लिस्ट को चेक करवा लीजिए। वो आपके प्लान की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। अपने लिए करियर चूज करते समय इस तरह से अपने स्किल्स को कैटेगरी में बांटना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सही गाइडेंस मिलेगी। वैसे एक और बात जो आपको अपने बारे में समझनी होगी वो है आपका ईगो। आपकी ईगो का एक नेगेटिव पार्ट है जो आपको घमंडी बनाता है, जिसकी वजह से आप ये सोचने लगते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं या बेटर हैं। लेकिन इस ईगो का एक पॉजिटिव पार्ट भी है। हमारा यही ईगो हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी देता है। तभी तो आपको अपनी काबिलियत और स्किल्स पर भरोसा होता है ना? तो अगर सेल्फ एस्टीम ना हो तो इंसान कभी भी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएगा।
वो हमेशा दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर ही चलता रहेगा। तो यही पॉजिटिव ईगो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और नेगेटिव ईगो उसे बर्बाद भी कर सकता है। तो खुद को जानने के लिए अगला तरीका है कि एक फुल लेंथ का दर्पण ले लीजिए, एक मिरर ले लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है कि अपने लुक्स के बारे में जानना। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फर्स्ट डेट के लिए। लोग आपकी अपीयरेंस या लुक से ही आपको जज करेंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों की नजर में इम्प्रेसिव लगे। जैसे कि केनेथ क्लार्क, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, वो बेहद इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक भी है। वो 3 बार कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप के लिए इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन क्लार्के हमेशा हार जाते हैं। इसका एक रीजन है लोगों पर पड़ने वाला उनका इम्प्रेशन। क्लार्के के अंदर पार्टी को लीड करने की सारी काबिलियत मौजूद है, लेकिन उनके अपीयरेंस से लगता है कि वो बेहद डिसऑर्गेनाइज्ड है। अक्सर उनकी टाई मुड़ी तुड़ी सी और जूते गंदे और पुराने लगते हैं। वैसे तो क्लार्के एक टैलेंटेड इंसान है और बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते हैं। उनके लिए ये ज्यादा मैटर ही नहीं करता कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं या कैसे ड्रेसअप होते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये उनकी ना सबसे बड़ी गलतफहमी है। पब्लिक और मीडिया की नजर में उनकी इमेज एक अस्त व्यस्त रहने वाले इंसान की बन चुकी है। अब बात भले ही छोटी सी हो, पर इसका उनके पॉलिटिकल करियर पर गहरा असर पड़ा है। शायद ये भी उनकी हार की एक वजह रही है। खुद को समझने और जानने के लिए आपको किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। एक मेंटोर इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता है। मेंटोर वो एडवाइजर होता है जिसे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और यही एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। कई सारी स्टडीज से ये साबित हुआ है कि एक मेंटोर आपके करियर के ग्राफ को ऊंचा उठाने में काफी मदद कर सकता है। वैसे एक अच्छा मेंटोर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक सिंपल तरीका ये है कि आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी हमेशा काम करेगा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो अपने लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बेस्ट तरीका ये है कि आप पर्सनल रिकमेंडेशन के जरिए अपना मेंटोर ढूंढे, अपने दोस्तों की मदद लीजिए, उनसे सजेशन मांगिए। आप चाहो तो अपनी कंपनी के HR या लर्निंग एंड डेवलपिंग डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हैं। खुद को जानने का फाइनल स्टेप आता है अपनी OBITURI लिखो या एक मैसेज लिखो जो आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी कब्र पर लिखा जाए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे याद किया जाना चाहते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कि आप अपनी इमेजिनेशन में डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपको अपना करियर और लाइफ पाथ चूज करने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर है टू बी टोल्ड You really look as though you know where you are going is high praise. बहुत से लोग अपने करियर में कोई प्रॉपर रास्ता फॉलो नहीं करते। वो ना बस चीजों के होने का इंतजार करते हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ भी पक्का या फिक्स्ड नहीं है, और आपके प्लान हमेशा सही होंगे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग करना बिल्कुल बेकार है। अगर आपको मंजिल का पता है तो आप रास्ता भी तो वही चुनेंगे जो उस मंजिल की तरफ जाता है। यानी पहले से एक करियर स्ट्रेटेजी बनाकर चलना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसका मतलब है कि एक सिंपल प्लान की आपको कहाँ जाना है और वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट ये पता करना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आमतौर पर लोगों को अपने करियर से 4 चीजों की उम्मीद होती है। ये है पैसा, सिक्योरिटी, पावर और स्टेटस। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। अगला ये डिसाइड कीजिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है और उन्हें कैसे फॉलो करना है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने अलग अलग जॉब्स ट्राई कर सकते हैं, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से सेक्टर को अवॉइड करना चाहेंगे। अपने करियर से रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने कितनी बार जॉब की वजह से घर चेंज किया है, आप कौन सी माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं, क्या आप अभी भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। अपने करियर को प्लान करते समय आपको शायद ये समझने में दिक्कत आए कि आपको करना क्या है। अगर कभी ऐसा लगे तो सारी प्लानिंग छोड़कर सिर्फ सपने देखना, इमेजिन करना कि कौन सा काम करते हुए आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको असल में चाहिए क्या। हो सकता है कि इससे आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन मिले।
जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप अपनी जॉब छोड़कर किसी चैरिटी के लिए काम करने की सोच रहे हैं। आपका सपना तो चैरिटी करने का है, पर आपकी लाइफस्टाइल हाईफाई है, यानी आप चाहकर भी चैरिटी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब करना आपकी जरूरत है। तो जब आप सपना देखो तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में मत सोचना। जैसे मेनार्ड किन्स एक फेमस फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक बार एक ऑडियंस के सामने ये कबूल किया था कि जब हालात बदलते हैं तो वो भी अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। प्लान सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए कि आपने उसे बनाया है, कई बार अनएक्सपेक्टेड प्लान भी बनाने पड़ जाते हैं, इसलिए जितना हो सके फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करें। एक ही प्लान से चिपक कर रहना जब सिचुएशन चेंज हो गई हो आपको बुरी तरह से फेल कर सकता है। तो इस चैप्टर से ये बहुत ही कमाल की बात सीखते हुए अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं, बिकम अ पावरफुल लर्निंग मशीन। यानी कि एक अच्छे करियर के लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए क्योंकि दुनिया रोज ही चेंज हो रही है। आज हर कंपनी को दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिल ही जाएगा। एम्प्लॉयज अलग अलग कॉन्टिनेंट से रिमोट वर्कर्स ढूंढकर हायर कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटर्स से एकदम आगे रहने के लिए आपको एक लर्निंग मशीन में तब्दील होना पड़ेगा। लर्निंग का पर्पज है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। एम्प्लॉयर्स लोगों को अपनी स्किल्स यूज करने के पैसे देते हैं, और जब आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होती हैं तो आपके अर्निंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और तब आप शायद अपने कॉम्पिटिटर्स से एकदम आगे रह सकोगे। कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको किसी भी वर्क प्लेस में काम आएगी। इनमें से फर्स्ट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये एक ऐसी स्किल है जो बिजनेस वर्ल्ड में हाई डिमांड पर है। अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए इसे अभी अच्छे से स्टडी कर लीजिए क्योंकि ये आपके बड़े काम आने वाली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अभी हाल ही में वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन का पता लगाया है। उन्हें लगता है कि ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस में एक की फैक्टर है। टिपिकल लेवल पर अगर बोले तो ये स्किल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करके डेवलप किया जाता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि ऑफिस से बाहर भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट बनने का बेस्ट तरीका यही है कि आप बार बार प्रेजेंटेशन दें। शुरुआत के कुछ दिनों में हो सकता है कि आप फेल हो जाए, पर कोशिश करते रहें। हर फील्ड में लीडर्स की जरूरत पड़ती है, और जॉब में प्रमोशन पाने के लिए तो लीडरशिप स्किल्स होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप लीडर नहीं बनना चाहते हैं तो भी लीडरशिप स्किल्स सीखना आपके लिए जरूरी है। इससे आपको मैनेजर्स का बिहेवियर समझने में मदद मिलती है। और फाइनल स्किल जो आपको चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का सीधा साधा मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों से बात करना आना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि अपने कंज्यूमर से बात करने का तरीका सीखना। ऐसी कम्युनिकेशन जो काम का रिजल्ट दे। एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखिए, ब्लॉगर्स और पॉडकास्टर्स के बारे में जानिए, सोशल मीडिया से जुड़े रिस्क और अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखिए। ये स्किल्स जो हमने आपको बताई है डेमो करके बताई जा सकती है। इन्हें अपने वर्क प्लेस में यूज करके आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये स्किल्स सीखना ही काफी नहीं होगा, आपको उन्हें प्रैक्टिस में भी उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी स्किल्स बता रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए काम आएंगी। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमें ना बोलना आना चाहिए। अक्सर हम उन कामों को करने के लिए भी मजबूर होते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, और वो इसलिए क्योंकि हमें पोलाइटली ना बोलना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन जब आप ये स्किल सीख जाएंगे तो आपके बॉस भी बुरा नहीं मानेंगे और आपके करियर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फास्ट होती जा रही है, इसलिए आपको भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। कई कंपनीज में स्पीड को परफॉर्मेंस से तोला जाता है। कई बार स्किल्ड एम्प्लॉयज भी अपने स्लो होने की वजह से प्रमोट नहीं हो पाते। तो फाइनल स्किल जो आपको सीखनी है, असल में कोई स्किल है ही नहीं, बल्कि इसे एक हैबिट आप बोल सकते हैं। आप जो कुछ भी सीखे उसका रिकॉर्ड रखे। इसके लिए आप या तो नोटबुक यूज कर सकते हैं या अपने फोन के नोटपैड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। मीडियम कुछ भी हो, और जो कुछ आपने सीखा है या सीख रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि वो खो ना जाए। अब बारी है अगले चैप्टर की, रीडिस्कवर द लॉस्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग। आपके करियर की सक्सेस मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड आपकी स्किल्स, और सेकंड है आप दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो लिसनिंग यानी सुनना एक स्किल है जो आपकी एबिलिटी इन दोनों फील्ड में इम्प्रूव करती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि लिसनिंग कौन सी बड़ी स्किल है,
तो वो इसलिए क्योंकि आप सोच रहे हैं कि लिसनिंग का मतलब है सिर्फ सुनना, जबकि लिसनिंग का असली मतलब है कि आप जो कुछ भी सुन रहे हो उस पर ध्यान देना और वाकई में उसे समझना। जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अमेरिकन कंपनी है जो अपने मार्केटिंग वर्क के लिए फेमस है। अपने मार्केटर्स के लिए उनका एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोसेस है। इन एम्प्लॉयज को बगैर नोट्स लिए कस्टमर्स से बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन लोगों के इंटरव्यूज उन लोगों के इंटरव्यूज से कई गुना बेटर रहे थे जिन्होंने नोट्स लिए थे, क्योंकि कस्टमर्स ही आपको ज्यादा एक्यूरेट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस प्रोसेस का ये फायदा होता है कि एम्प्लॉयज कस्टमर्स की प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका वैसा ही सलूशन ढूंढकर लाते हैं। तो लिसनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको सालों साल काम करना है। आप आज और बिल्कुल अभी से, राइट नाउ, अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो अपनी अगली कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिएगा। सामने वाला क्या कहना चाहता है उसे ध्यान से सुनिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ दिनों में आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप किसी की कही गई बात को एग्जैक्टली याद कर पाएंगे। कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उन्हें बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन भी याद रहते हैं। तो इस तरह की लिसनिंग के कई सारे फायदे हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, साथ ही आपका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल भी इम्प्रूव करता है। हालांकि कई बार कॉन्सेंट्रेट करना काफी चैलेंजिंग लगता है, तो इससे निपटने का एक आसान तरीका ये है कि आप बात करते समय सामने वाले की आंखों में देख कर बात करें। इससे आपको अपनी कॉन्वर्सेशन पर कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी रहेगी, साथ ही आपको उनकी अटेंशन भी मिलती रहेगी। आपकी लिसनिंग इन एबिलिटी का असली दुश्मन आपका फोकस ना कर पाना नहीं है, बल्कि वो एटीट्यूड है जो टाइम के साथ आपके अपने अंदर डेवलप हो जाता है। अक्सर जब कोई बात कर रहा होता है तो हमें लगता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नया तो है नहीं, इसलिए हमारा फोकस इजीली डाइवर्ट हो जाता है। हम बस उनके बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि अपना जवाब दे सके। तो ऐसे एटीट्यूड के साथ आप कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और ना ही किसी डिस्कशन में कुछ वैल्यूएबल ऐड कर पाएंगे। तो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए पहले अपना एटीट्यूड ठीक कीजिए। ये सोचिए कि हर नया कॉन्वर्सेशन आपको कुछ नया सिखा सकता है। अपने करियर में आपकी लिसनिंग स्किल्स मीटिंग्स में सबसे ज्यादा यूज होगी और मीटिंग में ही आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपको नोटिस किया जा सकता है। दूसरों के काम आकर एक हेल्पफुल एटीट्यूड के साथ और अटेंटिव और रिस्पॉन्सिव बनकर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। कुछ और भी ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको मीटिंग के दौरान स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे कि अपने पेपर्स को पहले से पढ़कर रखना, मीटिंग किस लिए रखी गई है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए ताकि आप मेन टॉपिक पर बने रहे। दूसरों को करेक्ट करने के चक्कर में अपनी अटेंशन डाइवर्ट ना करें। अगर आपके पास आइडियाज है तो मीटिंग के दौरान उन्हें शेयर करें। काफी सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में हमने सीखे, अब अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं। हेल्प योर बॉस एंड दे विल हेल्प यू एंड योर करियर। आपके बॉस के हाथ में ना आपके करियर की सक्सेस का रिमोट कंट्रोल है। वो चाहे तो आपको प्रमोट या रिकमेंड करके आपके करियर के ग्राफ को ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर आपकी प्रमोशन रोक कर या जॉब से आपको निकाल कर आपके करियर को खराब भी कर सकते हैं। वैसे ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपको माननी ही पड़ेगी, इसलिए अपने बॉस के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपने बॉस की नजर में अपनी वैल्यू साबित करके दिखानी होगी, उन्हें एहसास कराना होगा कि आप कंपनी के लिए कितने बड़े एसेट हैं। अपने बॉस की नजर में आने का बेस्ट तरीका है आप उन्हें वैल्यू दीजिए, उनके अचीवमेंट्स का बढ़ चढ़कर बखान कीजिए और उनके फेलियर के लिए उन्हें कभी भी क्रिटिसाइज ना करें। पर अपने बॉस की तारीफ करना कई लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के और भी तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है आप हेल्पफुल बनिए। अगर आप बॉस की तारीफ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, पर उन्हें उनके काम में कुछ इस तरह से हेल्प कीजिए कि आपकी काबिलियत उनसे छुपी ना रहे। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो झिझको मत। पता करो कि कौन से ऐसे वर्क से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बॉस को तंग कर रहे हैं, उनका सलूशन ढूंढ कर लाइए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप बॉस के किसी काम आ सके। कई बार कुछ केसेस में लोग बॉस की ना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उनकी मौजूदगी में शांत और खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन शांत दिखने के चक्कर में आलसी मत बनिएगा। एनर्जेटिक बने रहिए पर किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। बॉस के अंडर में काम कर रहे लोगों से आप बॉस के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि
उनका पर्सनल असिस्टेंट उनके बारे में सब कुछ जानता होगा। बॉस के स्टाफ मेंबर्स को भी उतनी ही पोलाइटली और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए, क्योंकि कोई भी कब आपके काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। आपके बॉस का स्टाफ उन्हें आपसे बेटर जानता होगा। आपके बॉस आपके करियर को प्रमोशन वगैरह के जरिए डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना इनडायरेक्टली भी आपके करियर को फायदा पहुंचा सकता है, और वो इसलिए क्योंकि आपके बॉस आपके लिए एक वैल्यूएबल मेंटोर साबित हो सकते हैं। जैसे कि जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक में 1981 से 2001 तक सीईओ रहे हैं। इस दौरान उन्हें जेफ इमेल्ट नाम के एक एम्प्लॉय के साथ काफी काम करने का मौका मिला। इमेल्ट और वेल्च के बीच में काफी अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता रहा और इमेल्ट को वेल्च से काफी कुछ सीखने का मौका भी मिला। जब जैक वेल्च ने कंपनी छोड़ी तो उन्होंने नए सीईओ के तौर पर जेफ इमेल्ट का नाम सजेस्ट किया। उनकी रिकमेंडेशन पर जेफ कंपनी के न्यू सीईओ बनाए गए और उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक की लीडरशिप की कमान 2001 से 2017 तक संभाली। उनका लीडरशिप स्टाइल भी वेल्च से काफी हद तक इंस्पायर्ड था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वेल्च की ही तरह ही इमेल्ट का भी एक लंबा और सक्सेसफुल करियर रहा। खैर, हर किसी को जैक वेल्च जैसा ग्रेट बॉस नहीं मिलता। कुछ बॉस अपने काम में तो एक्सपर्ट होते हैं पर एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही बुरे साबित होते हैं, या यूं कह लीजिए कि उन्हें एम्प्लॉयज को हैंडल करना आता ही नहीं है। वो अपने एम्प्लॉयज की खूबियों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उन्हें उनकी एबिलिटीज को लेकर ही डाउटफुल फील करा देते हैं। तो ऐसे बॉस आपके टैलेंट को कभी उभरने नहीं देते, और ना ही आपकी कमियों को दूर करना उनका मकसद होता है। उन्हें तो बस किसी तरीके से आपसे काम निकालना होता है। अब ऐसे बॉस को मेंटोर की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम तोड़ने के पीछे भी ऐसे बॉस का ही हाथ होता है। कुछ बॉस वाकई में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो उतने टैलेंटेड नहीं होते। ऐसे बॉस के साथ काम करना सेटिस्फाइंग हो सकता है, लेकिन आपको उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। आपके करियर को भी इससे कोई फायदा नहीं मिलता, और ना ही आप अपनी फील्ड में ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो अगर आपके बॉस आपको इंस्पायर करते हैं, यानी वो एक अच्छे बॉस है, और अच्छे बॉस वो होते हैं जिनके साथ आप काम करके बहुत कुछ सीखते हैं, या आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुरा या अनइंस्पायरिंग बॉस मिल गया है जो कि आपके करियर में रुकावट डाल सकता है, तो फौरन एक नए बॉस की तलाश करें। चाहे इसके लिए आपको जॉब चेंज क्यों ना करनी पड़े, अपने बॉस के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप प्रोफेशनल रहना चाहिए। भूल कर भी उन्हें पर्सनल बनाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राइवेट लाइफ और वर्क लाइफ को अलग रखें तो बेहतर होगा। जहां तक हो सके बॉस के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ बिजनेस मैटर्स तक ही रखें। और अब आता है अगला चैप्टर, इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूट बट इट्स टीम्स दैट विन। अपने करियर में आपको खुद अकेले काम करने के मौके कम ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल ज्यादातर वर्क प्लेस में काम टीम वर्क के जरिए होता है। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छा टीम प्लेयर होना भी जरूरी है। हर बॉस यही चाहता है कि उसकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए आपको वो बनना है जो टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। इससे आप अपने बॉस की नजर में और भी वैल्यूबल लगेंगे। टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। टीम में सबकी अलग अलग एबिलिटीज और स्किल्स होती है। इन सारी एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन ही टीम को एक सिंगल इंसान के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बनाता है। बेस्ट टीम वो होती है जहां सारे मेंबर्स एक दूसरे से अच्छे से रिलेट कर पाएं या जुड़ पाएं। अगर आपको टीम में शामिल किया गया है तो अपने कलीग्स को जानना और समझना आपकी ड्यूटी है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं। टीम में काम करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है एक टीम लीडर बनना। एक टीम लीडर की तीन जिम्मेदारी होती है, जो है आपको डिसाइड करना है कि कौन आपकी टीम में रहेगा और कौन नहीं। आपको डिसाइड करना है कि आपकी टीम क्या करेगी, और आपको टीम चलानी है जबकि आपके टीम मेंबर्स अपने अपने टास्क कंप्लीट करेंगे। टीम बनाते समय डाइवर्सिटी का ध्यान रखें। रिसर्चर्स ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टीम की कैपेबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। जिस टीम में बेहद स्मार्ट पर सिर्फ गोरे लोग थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही। जिस टीम में एवरेज इंटेलिजेंस वाले लेकिन अलग अलग कल्चर के लोग थे, उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही थी। अलग अलग उम्र, जेंडर और रेस वाले लोगों के एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं। उनका यही एक्सपीरियंस उन्हें यूनिक स्किल्स देता है। जितनी ज्यादा यूनिक स्किल्स होंगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में सिर्फ औरतें हैं या यंगस्टर्स, लेकिन हर कोई सेम है
तो ये एक डिसएडवांटेज होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मीटिंग बस वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन एक टीम को ठीक से काम करने के लिए मीटिंग करना बहुत जरूरी है। ये मीटिंग जरूरी नहीं है कि सीरियस ही हो, आप इसे फनी और इनफॉर्मल भी बना सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स पर सबकी राय ली जाए। आपके वर्किंग डेज का लगभग 8% दिन तो टीम मीटिंग्स के नाम होना ही चाहिए। अभी कुछ ही टाइम पहले हर चीज वर्चुअल स्पेस पर आना शुरू हुई है, लेकिन देखा जाए तो असल में वर्चुअल टीम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि टीम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फिजिकल इंटरेक्शन करना जरूरी है। आपको ऑफिस आवर्स का कम से कम 20% टाइम साथ में बिताना चाहिए। हालांकि ये भी फैक्ट है कि टीम हमेशा ऑफिस में काम करते हुए बॉन्ड नहीं कर सकती, इसलिए कभी कभार आउटडोर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जैसे क्रिकेट खेलना, पतंग उड़ाना या फिर साथ में बाहर डिनर करना। टीम को साथ मिलकर काम करना जरूरी है। हर मेंबर को ये पता होना चाहिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक लीडर होने के नाते अपनी टीम के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एक गोल सेट कर लीजिए। अपनी टीम का एक मिशन स्टेटमेंट लिखिए जो एकदम क्लियर और सिंपल वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। अब बारी अगले चैप्टर की। आर यू बीइंग सर्व्ड? व्हाई रिस्पॉन्सिवनेस इज सो इम्पॉर्टेंट? हर बिजनेस अपने कस्टमर्स के दम पर चलता है। आपके कस्टमर्स तभी अट्रैक्ट होंगे और आपसे जुड़े रहेंगे जब आप उन्हें अच्छी सर्विस देंगे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस की जरूरत पड़ती है, यानी कस्टमर्स की जरूरतों को तुरंत और उनके मन मुताबिक तरीके से पूरा करना। आज की तारीख में कस्टमर्स खराब सर्विस को लेकर के बहुत चिंतित हो गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम दुनिया की हर कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिवनेस एक्सीलेंट होनी चाहिए। एक टेक्निक है जिसे आप यूज करके कस्टमर्स को ये फील करा सकते हैं कि उन्हें एक्सीलेंट सर्विस दी जा रही है। उन्हें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं और फिर उससे थोड़ा ज्यादा डिलीवर कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी डेडलाइन 7 दिन है, तो उसे 6 दिन में पूरा कर लीजिए। लेकिन आपको हद से ज्यादा डिलीवर नहीं करना है, क्योंकि जो काम आप 3 दिन में कर सकते हैं उसके लिए 7 दिन की डेडलाइन सेट ना करें। इससे लगेगा कि आप फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में आपको सिर्फ कस्टमर्स की डिमांड ही पूरी करनी होती है और कुछ नहीं। हमेशा ज्यादा डिलीवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कई बार आप अंडर परफॉर्म भी करें या आपसे डेडलाइन मिस हो जाए। तो ऐसे केस में ये ध्यान रहे कि सबको ये बात पता हो। अपने कस्टमर्स को नोटिफाई करके सिचुएशन के बारे में अपडेट कीजिए कि आप टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। एक कस्टमर के लिए बुरे सरप्राइज से ज्यादा बुरा और कुछ भी नहीं होता। एयरलाइंस इसका एक अच्छा एग्जांपल है। वो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनकी फ्लाइट 40 मिनट लेट होगी, जबकि उन्हें पता होता है कि ये 1 घंटे लेट हो सकती है। एयरलाइन सिचुएशंस की पूरी या सही जानकारी दिए बिना कस्टमर को शांत रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इससे उनकी सर्विस की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे कस्टमर्स से सबका पाला पड़ता है जो शिकायत ही करते रहते हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को आप सक्सेसफुली सॉल्व करके उन्हें अपना लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। हालांकि सिर्फ 10% लोगों को ही शिकायत करने की आदत होती है, तो भी अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आपके उन्हें लॉयल बनाने के 90% चांस मिस हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि शिकायतों को सीरियसली लिया जाए। ये देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपनी सेल्स पर भी नजर रखे। आपको सिर्फ कस्टमर्स को जवाब नहीं देना है। कुछ लोगों के पास ऐसी फाइल्स का भंडार होता है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया होता, इसलिए वर्क रिलेटेड ईमेल का टाइम पर जवाब देना जरूरी है। ये बुरे टाइम मैनेजमेंट की निशानी मानी जाती है। अपने ईमेल का जवाब देने के लिए दिन का 1 घंटा अलग रखिए। जितना जल्दी आप जवाब का डोज रखेंगे उतना रिलैक्स रहेंगे, साथ ही आप अपनी जॉब में भी बेहतर फील करेंगे। वैसे ये जरूरी नहीं है कि हर ईमेल का तुरंत जवाब दिया जाए। ज्यादातर मामलों में फास्ट रिस्पॉन्स से ज्यादा सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। जब भी आपके पास कोई वर्क रिलेटेड सवाल आए तो खूब सोच समझ कर के ही जवाब दे। स्लो रिस्पॉन्ड करना आपकी प्रोफेशनल इमेज बनाता है। कॉन्वर्सेशन में जवाब देने के अलावा आपको चेंज के प्रति भी रिस्पॉन्ड करना होगा। आज की डेट में कंपनीज रोज नए नए बिजनेस मॉडल्स डिस्कवर कर रही है, और एम्प्लॉयज को हर नए चेंज के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए। कंपनीज एक दूसरे के साथ लगातार कंपटीशन कर रही है, तो ऐसे में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के चैलेंज का भी जवाब देना होगा। और उसे आगे रहने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप पोटेंशियल रिस्क के लिए पहले से तैयार रहें। आपके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इसे मद्देनजर रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारी कर लीजिए तो बेहतर होगा।
एक इंडिविजुअल के तौर पर आप जॉब चेंज करके अपनी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा सकते हैं। एक ही माहौल में एक जैसा काम करते रहना बोरिंग तो होता ही है, साथ ही लर्निंग की ग्रोथ को भी रोकता है। तो ऐसी जॉब की तलाश कीजिए जहां पर आपको हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिले। नए लोगों से मिलकर आपको नए एक्सपीरियंस होंगे। अगर आपकी जॉब में चैलेंज नहीं है तो समझ लीजिए टाइम आ गया है एक नई जॉब ढूंढने का। और इसी के साथ नए चैप्टर के बारे में जानने का टाइम भी है, द पावर टू अट्रैक्ट। अक्सर देखने में आता है कि अट्रैक्टिव लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सुनने में बात कड़वी जरूर है, पर यही सच है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होना होगा। हमारे फेशियल लुक्स पर तो हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, पर कई और तरीके हैं जिनसे आप खुद को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका एटीट्यूड, जो आपको लोगों की नजर में अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और जिंदा दिल बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों को हंसते हुए चेहरे पसंद आते हैं। जो लोग दिन रात अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप रिलैक्स्ड और शांत मूड में रहेंगे तभी तो लोग आपसे नई अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करना चाहेंगे। हमेशा ये याद रखिए कि नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आप बिजनेस की दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसलिए कभी भी गुस्से में या इमोशंस में आकर डिसीजन ना ले। लोगों की नजर में अट्रैक्टिव बनने का एक और तरीका है, एनर्जेटिक बने रहना। हालांकि बड़ी देर तक अपनी एनर्जी बनाए रखना बिना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी चाल में तेजी ला सकते हैं, इसके अलावा दिन भर में खूब सारा पानी पीते रहे। देर तक कंप्यूटर के आगे बैठने से भी हमारी एनर्जी कम होती है, इसलिए बीच बीच में अपनी सीट से उठना भी जरूरी है। आप चाहो तो अपने ऑफिस में ही कुछ मिनट वॉक कर सकते हो। वैसे अट्रैक्टिव दिखने का कोई एक फिक्स रूल नहीं है, अलग अलग कल्चर में अट्रैक्टिव होने के मायने भी ना अलग अलग है। लेकिन जो लोग अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं हमेशा ही अट्रैक्टिव लगते हैं। खासकर सेल्स की फील्ड में तो स्टोरी टेलिंग बेहद इफेक्टिव होती है। लोगों का टेंशन अपनी तरफ खींचकर आप अपने सेल्स ऑफर को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर्स पावरफुल लैंग्वेज यूज करते हैं। कम्युनिकेट करते समय बचकानी भाषा से बचिए, जैसे व्हाटएवर, काइंड ऑफ, लाइक। इस तरह की लैंग्वेज टीनेजर्स से बात करते समय ही ठीक लगती है। प्रोफेशनल्स की नजर में अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट टोन में बात करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जहां पर कम शब्दों में अपनी बात समझाई जा सके। इसका एक एग्जांपल है छोटे सेंटेंस में अपनी बात को कहना या लिखना। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करना भी ठीक नहीं होगा। आपका काम है अपने कॉम्प्लेक्स आइडिया को जितना हो सके सिंपल करके बताना, ना कि उसे और कॉम्प्लिकेटेड करना। आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा आई कॉन्टेक्ट बनाते हुए बात करनी चाहिए। अपने फेशियल एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखिए, बॉडी का पोस्चर सही रखिए और खड़े होते समय आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। लोगों को लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। शेप में रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, खुद को टाइम टाइम पर ग्रूम करते रहे। आपके नाखून और बाल सही तरीके से कटे होने चाहिए। कपड़े ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज होने चाहिए। आपकी ड्रेस हमेशा नीट और साफ होनी चाहिए। ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आप स्मार्ट दिखे। डार्क सूट और व्हाइट शर्ट एक सेफ चॉइस है, जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई अच्छा लगता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो हमने क्या सीखा, क्या हमें याद रखना चाहिए, कौन सी चीजों पर हमें एक्शन लेना है, आइए जानते हैं। तो मुद्दा मामला ये है कि सबसे पहले तो आपने खुद को जानने के बारे में समझा। अपनी खूबियां और कमियां आपको खुद पहचाननी होंगी और अपने नेगेटिव ईगो को कम करते हुए पॉजिटिव ईगो को इम्प्रूव करना होगा। बेशक अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी अपीयरेंस की वजह से आपकी जो एबिलिटीज है उनकी वैल्यू को कम ना होने दे। सेकंड चीज आपने सीखी कि करियर स्ट्रेटेजी डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है। डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने करियर से क्या चाहिए, पैसा, स्टेटस, पावर या फिर सिक्योरिटी। आप इनमें से क्या हासिल करना चाहते हैं। डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है। इसके साथ बाकी के फैक्टर्स जैसे आपका घर और एजुकेशन भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन हमेशा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश कीजिए। हमेशा हर चीज आपके प्लान के हिसाब से नहीं होंगी, पर आपके अंदर एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, आपने लर्निंग की अहमियत के बारे में समझा। ऐसी चार स्किल्स है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। ये है लीडरशिप, एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन। इन स्किल्स के अलावा ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि अपना काम फास्ट कैसे करें।
साथ ही आपको पोलाइट तरीके से ना बोलना भी आना चाहिए, जो आपके स्मूथ करियर के लिए बेहद जरूरी है। जो भी आप सीख रहे हैं उसके नोट्स लेते रहे। फोर्थ, आपने लिसनिंग के फायदे के बारे में सीखा। एक अच्छा लिसनर होना एक बड़ी क्वालिटी है जो आपके अंदर बाकी के स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगी, जो आपके अपने करियर के दौरान आपको चाहिए। ये आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन में भी काफी हेल्प करती है, साथ ही ये आपको मीटिंग के दौरान अच्छा दिखने में हेल्प करती है। अगर आपको सुनने में दिक्कत है या आपके अंदर पेशेंस की कमी है, तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देखिए, इससे आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। फिफ्थ, आपने ये भी जाना कि अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना आपके करियर के लिए कितना जरूरी है। यकीन मानिए, आपके सीनियर्स आपके करियर को प्रैक्टिकली कंट्रोल करते हैं, इसलिए अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आपको उन्हें अच्छा दिखाना होगा। अगर आपसे ये नहीं हो सकता है, तो कम से कम उनके सामने शांत और खुश मूड रखिए। उन्हें दिखाइए कि उनकी प्रेजेंस आपको मोटिवेट करती है। याद रखिए, एक अच्छा बॉस एक अच्छा मेंटोर भी साबित होता है। एक अच्छा बॉस वो है जो आपको इंस्पायर करे। सिक्स्थ, आपने सीखा कि टीम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ज्यादातर ऑफिस में टीम वर्क के बिना काम ही नहीं चलता, इसलिए आपको एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनाने में एक सपोर्टिव और काबिल टीम का बड़ा हाथ होता है। अगर आप एक टीम लीडर है, तो कोशिश करें कि एक डाइवर्स टीम बनाएं। टीम को रेगुलर मीटिंग के लिए बुलाइए। टीम में दोस्ती डेवलप करने के लिए फन टीम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कीजिए। सेवेंथ है, आपने जाना कि कैसे रिस्पॉन्सिवनेस यानी जवाबदेही आपके करियर में काम आती है। जॉब में आपकी परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कस्टमर्स को कितने अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। अपने को वर्कर्स को जवाब देना आपको कैपेबल बनाता है। आपके रिस्पॉन्स की क्वालिटी स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। अगर आप स्लो रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपको और ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। लास्ट में आपने जाना कि अट्रैक्टिव होने की क्या वैल्यू होती है। आमतौर पर देखा गया है कि अट्रैक्टिव लोग औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके अट्रैक्टिव बन सकते हैं। एनर्जेटिक बने रहिए और अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स डेवलप कीजिए। सिंपल मगर पावरफुल लैंग्वेज यूज करते हुए कम्युनिकेट करना सीखिए। हर कोई सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता है, लेकिन सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस एक गोल है जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद को मार्केट करना होगा। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपनी वैल्यू को साबित करके दिखाना होगा। इस समरी में दिए गए 8 सिंपल सीक्रेट्स आपको ये अचीव करने में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।